आपको दिखा ना मैकेनिज्म बताने से पहले हम लोग आ जाते हैं ललन टॉप पर। हुआ था कहता बहुत बहुत धन्यवाद अन्यवेश भैया, आपने मेरा आधा काम खत्म कर दिया है। शादी करेगी, ये देखिए अब दोनों की शादी तो हो नहीं सकती, अब दोनों भाई बहन हैं तो। ये देखिए अब दोनों की शादी तो हो नहीं सकती, अब दोनों भाई बहन हैं तो इसकी शादी किसी और से होगी, इसकी शादी किसी और से होगी, यानी कि दोनों प्रोडक्ट अपना अलग अलग बनाएंगे लेकिन बिलोंग किससे करते हैं, एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, ये हमारी कोलवे और ये हमारे राइमर टीमर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मैकेनिज्म पर। अब मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से आप दिखाएंगे अपने एग्जाम में, खास करके बीएससी सेकेंड ईयर वाले। क्लास ट्वेल्व वालों का काम तो हो चुका, वो लोग निकलने तुरंत वीडियो बंद करके, लेकिन जो बीएससी सेकेंड ईयर वाले हैं वो लोग टिक करके आराम से भी देखते रहें। तो मैकेनिज्म कैसे आपको दिखाना, मैकेनिज्म बताने से पहले हम लोग आ जाते हैं ललन टॉप पर। थोड़ा ललन टॉप के बारे में जान लेते हैं, ललन टॉप आज का क्या होने वाला है और ललन टॉप क्या है। देखिए ललन टॉप ज्ञान केमिस्ट्री का, ललन केमिस्ट्री की ललन टॉप बातें बातें बोल लीजिए, या फिर केमिस्ट्री की ललन टॉप ज्ञान। तो केमिस्ट्री की ललन टॉप बातें में आज हम लोग पढ़ेंगे पर्पज ऑफ एन ए ओ एच। अभी आप देख पा रहे थे कि उसमें हम लोग एन ए ओ एच का इस्तेमाल कर रहे थे फिनॉक्साइड बनाने के लिए, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए एन ए ओ एच का इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एन ए ओ एच अगर हम लोग ना लें तो रिएक्शन क्या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग एन ए ओ एच ले भी रहे हैं तो वहाँ पर एन ए ओ एच का रोल क्या है, एन ए ओ एच है क्या चीज़, है ना। अगर आप इसे समझ गए तो पूरा मैकेनिज्म आप फट से अभी करवा ले जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो ये रहा आज का आपका ललन टॉप, ठीक से समझिएगा। ये अगर समझ में आ गया तो मुझे अभी मैकेनिज्म समझाने में मात्र 2 मिनट लगेगा, ठीक है। पहले आप ललन टॉप को ठीक से समझ लीजिए। तो एन ए एच में आपको क्या करना है, सॉरी ललन टॉप में आप क्या समझना है, तो एन ए एच के बारे में समझना है कि पर्पज़ क्या है, एन ए एच को लेने का यहाँ पर पर्पज़ क्या है। तो एन ए एच एक्चुअल में करता क्या है, एन ए एच इट कैटलाइज द रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये पहली बात तो कैटलाइज कर देता है, कैटालाइज करने का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा या तो घटा देगा। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, कैटालिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देना या तो घटा देना। तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है, यानी कि कैटालाइज कर देता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये हो गया कि एन ए एच को हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन को, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, तो इसके पीछे एक प्रोसेस है, बाय द इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फिनॉल। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि फिनॉल के अंदर न्यूक्लियोफाइल वाला गुण बढ़ा देता है, न्यूक्लियोफाइल की क्वालिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फिनॉल जो होता है वो तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है। और जब तेज़ी से रिएक्ट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी तेज़ी से बढ़ेगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग एन ए एच का इस्तेमाल करते हैं। पहला पर्पज़ तो ये हो गया कि हम लोग कैटालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कैटालाइज कैसे करता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा करके कैटालाइज करता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देता है। देखिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, है ना, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्लस चार्ज, यानी कि प्लस चार्ज वाला। और फाइल का मतलब होता है प्यार करने वाला, इसका मतलब प्लस चार्ज से प्यार करने वाले को ही क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसका मतलब उसमें प्लस चार्ज की संख्या को बढ़ा देगा, जिससे वहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बढ़ गई है। तो अब या तो प्लस चार्ज पर ही अटैक हो जाएगा, या तो जहाँ जहाँ प्लस चार्ज नहीं आ रहा है वहाँ वहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर बड़े आराम से अटैक हो जाएगा, है ना, मामला बिल्कुल प्लस और माइनस वाला क्लियर कर देता है। तो ये इसका जनरली रोल होता है इस रिएक्शन के अंदर। और दूसरा रोल क्या होता है, इट अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द सोडियम फिनॉक्साइड। आप देख पा रहे थे कि अभी सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बन रहा था, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा था एक एच प्लस के निकलने से, है ना। जब फिनॉल में से हम लोग एच प्लस को निकाल दे रहे थे तब जा करके ओ एच में से जब एच निकाल दे रहे थे तब जा करके सोडियम वहाँ पर जुड़ रहा था, और जुड़ने के बाद सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एच प्लस को जल्दी से निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एन ए एच अगर रहेगा तो जल्दी से एच प्लस निकल जाएगा और फिनॉक्साइड आयन हमारा बहुत तेज़ी के साथ बन जाएगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड बहुत तेज़ी से बनाने के लिए भी एन ए एच का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा हो कि हम लोग एन ए एच का इस्तेमाल करें ही ना विदाउट एन ए एच, अगर हम लोग एन ए एच का इस्तेमाल उसमें ना करें तब भी कोई समस्या नहीं। अगर आप मान लीजिए गलती से एन ए एच लिखना भूल जाते हैं तब भी घबराइएगा मत,
कोई बात नहीं है, बस ये है कि आप स्लो रहेंगे, है ना। आपका जो रिएक्शन होगा बहुत ही धीरे धीरे होगा। जो लोग अन्य वैच मिलाए होंगे उनका रिएक्शन पता चला 5 मिनट में हो जाएगा और आप 5 घंटे लेकर के वहीं पर बैठे रहेंगे, आपका रिएक्शन बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो अन्य वैच अगर आप नहीं मिलाते हैं तो विदाउट अन्य वैच देखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो लिखा है, इसका मतलब बहुत ही स्लो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो कैटेलाइज नहीं हो पाएगा, फिनॉक्साइड आयन जल्दी से नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट आपका बहुत ही धीरे 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 करके बनेगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। तो ये रहा आपका ललन टॉप, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आपको मैकेनिज्म फिर मुझे नहीं समझाना रहेगा। ये देखिए, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपका हमारे पास है ONE का मतलब है सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे बना होगा, तो फिनॉल आप जानते हैं ऐसे होता है फिनॉल, और इसके ऊपर यहाँ पर OH लगा होता है, OH में से इसी H को निकाल करके यहाँ पर ONE जोड़ दिया गया, तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर बन गया है। इसमें जो ही सोडियम फिनॉक्साइड बना तो ये क्या कर क्या देता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, इन तीनों पोजीशन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये कर क्या देता है, जो ही सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर बनता है तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ा देता है, आप देखेंगे यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ा दिया और ये इस पोजीशन पर प्लस चार्ज बढ़ा दिया, यानी कि मेटा वाली पोजीशन पर प्लस चार्ज बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, तो आप देखेंगे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे ना तो कैसे बढ़ाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए Na ना रहे, यहाँ पर मान लीजिए Na ना रहे तो क्या रहेगा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा, उस लोन पेयर का इस्तेमाल करके यहाँ पे बना देगा क्या, डबल बॉन्ड। और जो ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा तो ये जो आपका बॉन्ड है टूट करके कहाँ आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ पर बना देगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब इस मेटा वाली पोजीशन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, उसी तरीके से जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर के बॉन्ड बनाएगा तो ए वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर पैरा वाली पोजीशन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और पैरा वाली पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर मेटा वाली पोजीशन पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, है ना। तो इसका मतलब दोनों ही मेटा पोजीशन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई है। और ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि भाई मेटा पर तो प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये जो पैरा है यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ पर जो आर्थो है यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर जो आर्थो है यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा। तो प्लस और माइनस का एकदम बिल्कुल इक्वल ठीक तरीके से बंटवारा यहाँ पर NaOH कर देता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखाऊं, जूम आउट करके दिखाऊं, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है अटैक करने तो उसको कोई समस्या नहीं होती है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है कि हमको कहाँ अटैक करना है, वो बड़े आराम से देखते हैं हाँ यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ माइनस चार्ज है, तुरंत आकर के अपने हिसाब से अटैक कर लेता है। और कैसे अटैक करता है फिर मैं यहीं पर थोड़ा सा समझा दूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा मैं अभी मैकेनिज्म में समझा देता हूँ। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हुई, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस ये समझना है ललन टॉप में कि NaOH क्या करता है, रिएक्शन को कैटालाइज कर दिया, सोडियम फिनॉक्साइड को जल्दी से बना दिया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होती है। वो आता कहता बहुत बहुत धन्यवाद NaOH भैया, आपने मेरा आधा काम खत्म कर दिया है, आधा मेरे जो कन्फ्यूजन थे उसको दूर कर दिया है। वो आता है बिल्कुल क्लियर, उसको दिखाई देता है कहाँ पर प्लस चार्ज है कहाँ पर माइनस चार्ज है, आकर के अपने हिसाब से अटैक करेगा और अटैक करने के बाद आराम से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद बड़े आराम से सेल से लेके सीड यहाँ पर बना ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा ललन टॉप, इसी